बच्चे जगह जगह भटके हैं, फिर बताओ आपके दरबार में दूसरे दरबारों में जाए जगह जगह, फिर तो गलत बात है ना। अब क्या करूं बताओ, इसका समस्या का समाधान मैं करूं? दूसरे गुरु की शिष्य है ये, अब मैं ऐसे दूसरे शिष्य के ऊपर हाथ धरूं या उसका संकट काटूं तो वो भी ठीक बात नहीं है ना। आप बताओ, संकट तो काटना पड़ेगा, लेकिन वो गुरु क्या करेगा जो शिष्य बनाया जा रहा है और शिष्य समस्या का समाधान नहीं कर रहा है? उसको फिर आप बोलो, इस बात को उसको दिमाग में बैठाओ। ऐसे तो कोई भी शिष्य बनाता चला जाएगा लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, उन बच्चों घर में खुशहाली नहीं रहेगी, उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फायदा क्या है? मामा जी को चलो ठीक है, आप इसके शिष्य हटो बच्ची के, देखते हैं क्या दिन जा रहा हूं।
रवि चलो जो है आओ आ जाओ जो भी हो बताओ बताओ कौन हो भैया जल्दी बताओ कौन हो क्या समस्या है कौन हो आप बताओ कौन हो आप जब हो तो माँ के दरबार में आए तो बताओ कौन हो अपना हाजिर लगाओ बताओ याद नहीं है कौन हो आप ये भी याद नहीं है किसने भेजा ये भी याद नहीं है, है? भेजा आया तो वही तो हम पूछ रहे हैं प्यार देखो माँ के सच्चे दरबार में आए हो आप या कोई भी आए हम सबको बड़े प्यार से बड़े उससे तो बात करते हैं तो आप क्या चाहते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा ये बताओ मैं अपनी मर्जी से फिर मुझे तो भेजा भेजा है तो अभी आप शांत कैसे होगे ये बताओ इस बेटी को कैसे छोड़ोगे वो बताओ बताओ छोड़ दोगे पक्का परेशान हो ना माँ की शरण में जाना है चलो फिर माँ की शरण में चलो 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 चलो